वालेकुम, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे, यानी कि यूजेस ऑफ द पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को दा के 2 यूजेस करवाए थे, जो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। अभी मैं सिर्फ समराइज करूँगी ताकि इस टॉपिक को कंटिन्यू कर सकूँ। फर्स्ट यूज था विद द नेम्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स यानी कि तमाम कुदरती चीज़ें, एग्जाम्पल सन, अर्थ, मून, स्टार्स एक्सेट्रा। सेकेंड विद द नेम ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स। जियोग्राफिकल फीचर्स यानी कि ज़मीनी मुताले की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक, जैसे कि रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ओशंस एक्सेट्रा। अच्छा, अब मैंने ये बताया था कि रिवर्स के नाम रिवर्स के साथ नहीं यूज़ होगा, माउंटेन रेंजेस के साथ नहीं, बल्कि रिवर और माउंटेन रेंजेस के मतलब जितने भी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं उनके नाम के साथ यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल रिवर इंडस, हिमालय रेंज एक्सेट्रा। ठीक, बताने का मकसद यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी समरी करना था ताकि आप लोग एक कंटिन्यूटी में आ सको। फर्स्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ दा यूज होता है, सेकंड जियोग्राफिकल फीचर्स के साथ। अब थर्ड कुछ डिजीजेस के नेम्स के साथ दा यूज होता है। डिजीजेस यानी कि बीमारियाँ। अब देखिए, बीमारियों का एक ऐसा हिसाब है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि शायद आज तक की कोई बीमारी डायग्नोज या डिस्कवर ही ना हुई हो, लेकिन आने वाले वक्तों में हो जाए। तो बीमारियों का तो ऐसा है कि कोई भी नई बीमारी आएगी वो दुनिया की बीमारियों में शामिल हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक के भी जितनी भी बीमारियां डिस्कवर हुई हैं वो भी बेशुमार डिजीजेज हैं, बेशुमार। लेकिन चाहे आप कोई सिंपल सी बीमारी ले लो फीवर, या आप कोई खतरनाक सी बीमारी ले लो, खतरनाक सा कुछ ले लो जैसे कि कैंसर, इनके नाम के साथ भी दा यूज नहीं होता। दुनिया में बेशक भले जितनी भी बीमारियां हों, जितनी भी बीमारियां हों, किसी के भी नाम के साथ दा को यूज नहीं किया जाता, सिवाय खास तौर पर 3 बीमारियों के नाम के साथ। और दा की सबसे पहली शर्त ही हमने क्या पढ़ी थी कि ये सिर्फ यूनिक, प्रोमिनेंट यानी कि सिर्फ ये खास चीज़ों के नाम के साथ यूज होता है। ठीक है, तो देखें, अब इतनी बीमारियों में से अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 3 बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ दा यूज होगा, तो यकीनन वो खास हो गई। ठीक है, तो दा खास तौर पर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 बीमारियों के नाम के साथ यूज किया जाता है। वो 3 क्या है? फर्स्ट वन फ्लू, मम्स, मीजल्स। ये तीनों नाम किसी सेंटेंस में आ जाएं, किसी पैरा में आ जाएं, कहीं पर भी आ जाएं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये 3 खास ऐसी बीमारियां हैं जिनके नाम के साथ दा यूज होगा, और इन 3 के अलावा कभी किसी भी बीमारी के नाम के साथ दा यूज नहीं होगा। तो होप सो आप लोग इस बात को याद रखेंगे कि दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं उन तमाम में से सिर्फ इन 3 बीमारियों के नाम के साथ, फ्लू, मम्स, मीजल्स, सिर्फ और सिर्फ इन 3 बीमारियों के नाम के साथ दा यूज होगा, इनके अलावा किसी भी बीमारी के साथ दा यूज नहीं होगा। तो चलें, अब आप लोग को इस बात को याद रखना है, और जब तक कि मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं, तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में ना आती हो, या कोई भी चीज़ आप लोग खास तौर पर समझना चाहें, या कोई पॉइंट में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग एक तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अलग से आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है, और इंस्टा अकाउंट भी ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है। आप लोग इजीली उसको देख सकते हो, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स शेयर कर दूंगी। तो मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कीजिए अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो, या अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो। और उसके अलावा अगर इसमें कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।